हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय एके क्लासेस। गाइस, आज मैं आपके सामने क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारा इंग्लिश प्रोज में लेसन नंबर 7 है, ग्लिम्सी ऑफ इंडिया। दोस्तों, हमारा जो पार्ट 3 है टी फ्रॉम असम, उसके लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। गाइस, इस लॉन्ग क्वेश्चन में जो ये हमारा जो पार्ट 3 है, इसमें मैं आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट रहेगा हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ राजवीर और सेकंड रहेगा कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रांजल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, जो लोग हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। इससे होगा क्या गाइस, हमारे चैनल पर आने वाली जो भी नई वीडियो होगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो गाइस, ये जो हमारा पार्ट 3 है टी फ्रॉम असम, इसके लॉन्ग क्वेश्चन हम अब सीखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके पहले लॉन्ग क्वेश्चन से। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ राजवीर। ये जो हमारा जो पार्ट 3 है टी फ्रॉम असम, इसमें 2 कैरेक्टर हैं मेन, फर्स्ट राजवीर और सेकंड प्रांजल। तो हम फर्स्ट सीखने जा रहे हैं गाइस इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना। राजवीर इज ए क्लासमेट ऑफ प्रांजल। राजवीर एक सहपाठी है और प्रांजल प्रांजल का। ही वॉज इन्वाइटेड टू विजिट द टी गार्डन। उसको आमंत्रित किया गया था टू विजिट घूमने के लिए द टी गार्डन, जो हमारा चाय का जो बगीचा है, बाग है, वहाँ पर घूमने के लिए उसको आमंत्रित किया गया था इन असम, असम में बाय प्रांजल प्रांजल के द्वारा। ही वॉज एन एर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। मतलब जो वो था एर्डेंट फैन था, एर्डेंट मतलब बहुत बड़ा, फैन मतलब बहुत बड़ा फैन था किस चीज़ का, ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। डिटेक्टिव मतलब होती है जो जासूसी होती हैं, खुफिया जो हमारी कहानी होती है उनका वो बहुत ज़्यादा फैन था, बहुत ज़्यादा शौकीन था। एंड वॉज एक्साइटेड टू सी, और उत्तेजित था देखने के लिए द टी प्लांटेशंस, जो चाय के बाग थे ऑफ असम, असम के। इसलिए जो वह क्या था, चाय के जो बगीचे थे असम के, उनको देखने के लिए क्या था, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था। तो गाइज, ये थी हमारी फर्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं गाइज क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या होता है गाइज, उत्सुक। राजवीर वॉज ए हाईली क्यूरियस बॉय। राजवीर एक बहुत ज़्यादा उत्साहित लड़का था। ही वॉज रेडी, वह तैयार था टू लर्न, सीखने के लिए एज मच एज ही कुड, जितना वह सीख सकता था। अबाउट द टी प्लांटेशंस, किसके बारे में, चाय के जो बगीचे थे, बाग थे, उनके बारे में ऑफ असम, असम के। वह असम के जो चाय के बाग थे उनके बारे में वह तैयार था सीखने के लिए जितना वो सीख सकता था। आगे बढ़ते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे। वेल इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म मतलब उसको अच्छी जानकारी होना, ठीक है गाइस। राजवीर हैड गैथर्ड ऑल द फैक्ट्स। राजवीर ने इकट्ठा कर ली थी ऑल द फैक्ट्स, सभी चीज़ों को, सभी बातों को। एंड द लीजेंड्स, और जितनी भी अपूर्व कहानी थी एसोसिएटेड विद टी, चाय से रिलेटेड, मतलब चाय के संबंध में जितनी भी पहले की कहानियाँ थी, जितनी भी घटनाएं थी, बातें थी, उन सबको इकट्ठा कर लिया था उसने पहले से ही। ही इवन न्यू, उसे ये भी ज्ञात था विच क्रॉप सीजन वॉज गोइंग ऑन, कि कौन सी फसल का जो सीज़न चल रहा है वो चल रहा था। एंड व्हाट वर इट्स एडवांटेजेस, और इसके क्या फ़ायदे थे। ही आल्सो न्यू द फैक्ट्स, वो इस बात को भी जानता था, इस घटना को, अबाउट हाउ मच टी, कि कितनी चाय इज कंज्यूम्ड, पी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में। एंड सरप्राइज्ड मिस्टर बरुआ, और उन्होंने जो मिस्टर बरुआ थे प्रांजल के पिताजी, उनको भी आश्चर्यचकित कर दिया था विद हिज नॉलेज, अपने ज्ञान से जब उसने इतना बताया तो जो मिस्टर बरुआ थे वो भी सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि उसने पहले से ही सारी जानकारी इकट्ठी कर रखी थी। अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर बढ़ते हैं गाइस एक्साइटेड, उत्साहित। राजवीर कीनली लुक्ड
एट द वर्कर्स। राजवीर जो था उत्साहित, मतलब बिल्कुल उत्साहित होकर देखता था एट द वर्कर्स, काम करने वालों को, वर्किंग काम करते हुए इन द टी गार्डन, चाय के बागों में। एंड द कलेक्शन ऑफ टी लीव्स, और जो चाय की पत्तियों को इकट्ठा किया गया था उनको भी वो इतनी उत्साहिता से देखता था। एट देकाईबारी टी प्लांटेशन, मतलब ये देकाईबारी जगह का नाम है जो चाय का बाग है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर चाय की पत्तियों को कलेक्शन कराया जा रहा था, इकट्ठा किया जा रहा था, तो उसको बारीकी से देखता। ही डिस्कसेस अबाउट टी फार्मिंग, वो डिस्कस करता है, डिस्क मतलब बातचीत करता है टी फार्मिंग के बारे में मिस्टर, किसके साथ, मिस्टर बरुआ के साथ। एंड हैड डन हिज होमवर्क, और उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था बिफोर विजिटिंग असम, असम में घूमने से पहले, क्योंकि असम उसे मालूम था कि मैं असम में क्यों जा रहा हूँ, चाय के बाग देखने जा रहा हूँ, तो इसलिए उससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी उसने पहले से ही उसको अपना पूरा करके रखा था। नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़ते हैं गाइस हम अपनी। ईगर टू ट्रैवल एंड लर्न न्यू थिंग्स, ईगर मतलब उत्साहित, टू ट्रैवल यात्रा करने के लिए, एंड लर्न सीखने के लिए, न्यू नई चीज़ों को मतलब नई चीज़ों के बारे में सीखने के लिए वो बहुत ही उत्साहित था, और यात्रा करने के लिए भी। राजवीर वॉज ट्रैवलिंग टू असम फॉर द फर्स्ट टाइम, राजवीर असम के लिए जो यात्रा कर रहा था वो पहली बार यात्रा कर रहा था। हिज एम वॉज टू गेन एज मच नॉलेज एज पॉसिबल, उसका जो एम था, लक्ष्य था, वॉज टू गेन प्राप्त करना था, एज मच नॉलेज इतना ज्ञान एज पॉसिबल जितना संभव हो सके ऑन दिस ट्रिप, इस यात्रा पर, क्योंकि वो एक ट्रिप आया था। विच शोज, जो कि दिखाता है, दैट की ही वॉज ऑलवेज ईगर, कि वो सदैव उत्साहित रहता है टू लर्न सीखने के लिए न्यू थिंग्स नई चीज़ों को, फैक्ट्स घटनाओं को, एंड एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस, और वर्णन करता है अलग अलग स्थानों का। तो इससे पता चलता है जो राजवीर था वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था नई नई चीज़ों को सीखने के प्रति। ठीक है गाइस, अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर बढ़ते हैं, कॉन्क्लूजन। राजवीर लर्नड ए लॉट ऑन हिज ट्रिप, राजवीर ने बहुत कुछ सीखा था अपनी यात्रा पर टू असम, असम की। एंड आल्सो इम्प्रेस्ड एवरीवन, और प्रत्येक व्यक्तियों को खुश भी किया था विद हिज नॉलेज, अपने ज्ञान से। ही वॉज ए क्यूरियस एंड एक्साइटेड यंग बॉय, वह एक उत्साहित और उत्सुक लड़का था, हु लव्ड गेनिंग नॉलेज, जो हमेशा ज्ञान प्राप्त करने का पसंद करता था, मतलब उसे हमेशा नई चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो गाइस ये था हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ राजवीर, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैरेक्टर स्केच ऑफ राजवीर। तो गाइस अब हम अपने सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रांजल। डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रांजल, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। प्रांजल वॉज ए स्टूडेंट इन दिल्ली हु हैड इन्वाइटेड, प्रांजल एक विद्यार्थी था दिल्ली में जिसने आमंत्रित किया था हिज फ्रेंड राजवीर, अपने मित्र राजवीर को, टू विजिट, घूमने के लिए द टी प्लांटेशन, जो चाय के बाग थे, मैनेज बाय, जिनका ध्यान रखा जाता था बाय हिज फादर, उसके पिता के द्वारा, इन असम, असम में। तो प्रांजल ने अपने मित्र राजवीर को आमंत्रित किया गया था असम में, किस चीज़ के लिए, ताकि वो अपने जो टी के जो बाग थे उनको दिखा सकें, और वो किसके द्वारा मैनेज किए जाते थे गाइस, उसके पिता के द्वारा। ये थी हमारी फर्स्ट हेडिंग। सेकंड हेडिंग पर पढ़ते हैं गाइस, बोरिंग एंड इनक्यूरियस। बोरिंग, बोरिंग का मतलब गाइस होता है उबाऊ, और इनक्यूरियस का मतलब क्या होता है गाइस, उदासीन। प्रांजल वॉज ए फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, प्रांजल जो था बहुत बड़ा फैन था, शौकीन था, किस चीज़ का, खुफिया और जासूसी कहानियों का। एंड केप्ट ऑन रीडिंग, और लगातार पढ़ता रहता था हिज डिटेक्टिव नॉवेल, अपनी जासूसी नॉवेल को, इवन वाइल ट्रैवलिंग, यहाँ तक कि यात्रा करते हुए भी वो उन कहानियों को पढ़ रहा था इन द ट्रेन, रेलगाड़ी में, वैन, जब देयर वर सो मैनी ब्यूटीफुल सीनरीज,
जब बहुत सारे सुंदर सुंदर दृश्य थे टू लुक आउटसाइड, बाहर देखने के लिए, क्योंकि वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो खिड़कियों के द्वारों बाहर का अच्छा अच्छा दृश्य जा रहा था। लेकिन प्रांजल क्या कर रहा था, वो अपने डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ रहा था। ही कुड हैव टॉक्ड, वह बातें कर सकता था टू राजवीर राजवीर से, एंड टोल्ड हिम, उसको बता सकता था अबाउट असम के बारे में, बट लेकिन ही केप्ट ऑन रीडिंग हिज बुक, लेकिन वो अपनी किताबों को पढ़ता रहा। नेक्स्ट हेडिंग पर पढ़ते हैं गाइस, गुड फ्रेंड, अच्छा मित्र। प्रांजल वॉज ए गुड फ्रेंड इंडिड, प्रांजल एक अच्छा मित्र था वास्तव में, इंडिड मतलब वास्तव, एज क्योंकि ही इन्वाइटेड राजवीर, उसने राजवीर को आमंत्रित किया था टू हिज होम, अपने घर पर इन असम में। ट्रेवल्ड इन द ट्रेन, और ट्रेन में यात्रा की थी विद हिम, उसके साथ, एंड मेड हिम सी टी प्लांट, और उसको अपने चाय के बाग दिखाए थे मैनेज्ड बाय हिज फादर, जो उसके पिता के द्वारा देख रेख की जाती थी। नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़ते हैं गाइस, मोनोटोनस मतलब होता है नीरस। प्रांजल इज ए मैन ऑफ हैबिट, प्रांजल एक ऐसी आदत का व्यक्ति है, एंड इज कंफर्टेबल इन हिज ओन रूटीन, जो आराम महसूस करता है इन हिज ओन रूटीन, अपने खुद के ही कामों में, मतलब उसे ज़्यादा दूसरों से वास्ता नहीं था, वो अपने आप में ही ज़्यादा खुश रहता था। ही कुड हैव मेड द बॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंडशिप, ही कुड हैव, वह कर सकता था मेड ऑफ बॉन्ड ऑफ, जो रिश्ता था उसकी मित्रता का, उसको और अच्छा कर सकता था विद राजवीर राजवीर के साथ, बेटर मतलब अच्छा कर सकता था, बाय शेयरिंग, बांटकर हिज एक्साइटमेंट, अपनी उत्तेजना को, अपॉन सीइंग टी प्लांटेशंस, जो उसने चाय के बाग देखे थे उसको देखने की जो उत्सुकता थी, उसको राजवीर के साथ साझा करके, शेयर करके उसको और मजबूत कर सकता था विद हिम, उसके साथ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था ना गाइस। अपनी नेक्स्ट एंड लास्ट हेड में बढ़ते हैं गाइस, कॉन्क्लूशन। प्रांजल वॉज ए गुड फ्रेंड, प्रांजल एक अच्छा मित्र था, बट लेकिन ही कुड बिकम ए मच बेटर पर्सन, लेकिन वो एक अच्छा व्यक्ति बन सकता था बाय टेकिंग इंटरेस्ट, रुचि लेकर इन थिंग्स, चीज़ों में, अराउंड हिम, जो उसके चारों ओर थी, एंड मेकिंग हिज रिलेशनशिप विद पीपल स्ट्रोंगर, और रिश्तों को लोगों के साथ और मजबूत बना सकता था, एंड मोर अफेक्शनेट, और बहुत सुंदर बना सकता था। लेकिन प्रांजल का कैरेक्टर कैसा था गाइज, वो अपने ही आप में खुश रहने वाला पर्सन था। तो गाइज ये था हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रांजल, ये जो हमारा लेसन है प्रोज में, लेसन नंबर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, उसका पार्ट 3 टी फ्रॉम असम, उसमें से मैंने आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, कैरेक्टर स्केच ऑफ राजवीर और कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रांजल। तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये जो हमारे द्वारा जो लॉन्ग क्वेश्चन बताए गए हैं वो अच्छे से भली भांति आपको समझ में आए होंगे। तो गाइज इसलिए हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंडों से भी कहें कि वो इस वीडियो को भी और दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइज ये थे हमारे टी फ्रॉम असम के लॉन्ग क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।